बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 5। बेटा आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 39 पर आ जाएं। द नेम ऑफ यूनिट नंबर 5 इज़ एनिमल्स एंड हाउ दे लिव। बेटा इस यूनिट में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। जैसे प्रीवियस यूनिट में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, वो भी लिविंग थे, एनिमल्स भी लिविंग होते हैं। और एनिमल्स बेटा डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। और एनिमल्स जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, उन्हें टेम एनिमल्स कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। और एनिमल्स की भी खुराक भी अलग अलग होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। तो इस यूनिट में बेटा हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं। और एनिमल्स के रहने की जो जगह होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, कि हर एनिमल डिफरेंट जगहों पर रहता है। और एनिमल्स के जो बेबीज़ होते हैं उनके भी डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो इस यूनिट में बेटा हम ये सारा पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। इसमें इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे, ठीक है, ये सारा। चलें रीडिंग देखते हैं। पेज नंबर 39 पे है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, के एनिमल्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। सम आर वेरी वेरी बिग, कुछ बहुत बड़े होते हैं। अदर्स आर टाइनी, और कुछ बहुत स्मॉल होते हैं। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं। दे मूव, वो हरकत भी करते हैं। दे ब्रीथ, वो सांस भी लेते हैं। दे ईट एंड ड्रिंक, वो खाते भी हैं और पीते भी हैं। दे हैव बेबीज़, और उनके बेबीज़ भी होते हैं। दे डाई, वो मरते भी हैं। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ एनिमल्स वाइल्ड होते हैं। एंड लिव अवे फ्रॉम पीपल इन जंगल्स, और लोगों से दूर जंगल में रहते हैं। ठीक है बेटा, नीचे पिक्चर में आप लोग देख लें कि इसमें आप लोग जंगल में रहने वाले एनिमल्स को देख रहे हैं। आउल है, एलिगेटर है, फ्रॉग है, स्नेक है। देखें कितने सारे एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो जंगल में रहते हैं। ठीक है, ओके। पेज नंबर 40 पर देखें। वेयर डू एनिमल्स लिव, एनिमल्स कहाँ रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं। सम इन ट्रीज़, कुछ दरख्तों में रहते हैं। एंड मैनी लिव इन वाटर, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। इन आ गार्डन, बाग में। देयर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स, बहुत सारे छोटे एनिमल्स होते हैं। दे लिव ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर भी रहते हैं। और इन ट्रीज़, या दरख्तों में। और एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे प्लांट्स में। नीचे बेटा पिक्चर में देखें, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। अब आप देखें कि इनमें से कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने देखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखें। सम एनिमल्स आर टेम, कुछ एनिमल्स टेम होते हैं। एंड कैन लिव विद अस, और वो हमारे साथ रहते हैं। और वर्क फॉर अस, या वो हमारे लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो टेम एनिमल्स होते हैं और हमारे लिए वर्क करते हैं या हमारे साथ रहते हैं, उन्हें बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, आगे कंसेप्ट चेक है। देखें, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स ऑन पेजेस 39 एंड 40। आप जो पिछले पेज पर, इस पेज पे जो आपको एनिमल्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं उसको बेटा आप देखें। विच ऑफ़ द एनिमल्स लिव ऑन लैंड और इन वाटर, अब आपने ये बताना है इनमें से कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, या पानी में रहते हैं। एंड विच ऑफ देम कैन फ्लाई, और कौन से ऐसे हैं जो उड़ते हैं, उड़ने वाले जानवर हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने देखना है, आप लोग खुद ही से इसको जो है वो देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा कि आपको पता लगता है कि नहीं, कि कौन से एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कौन से लैंड में, और कौन से फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 41। व्हाई आर एनिमल्स इम्पॉर्टेंट टू अस, एनिमल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। सम एनिमल्स आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं बेटा जो हमारे लिए फूड का सोर्स है, यानी उनसे हमें खाने वाली चीज़ें मिलती हैं। एनिमल्स गिव अस मीट, एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं, मीट, गोश्त देते हैं, मिल्क, दूध देते हैं, एंड एग्स, और अंडे देते हैं। आप देखें नीचे डिफरेंट एनिमल्स बने हुए हैं, जो है गोट जो है उससे हमें मिल्क मिलता है, मीट भी मिलता है, हैन है उसके, उससे हमें एग्स, एग मिलते हैं, और फिश है उससे भी हमें जो है वो मीट मिलता है। बाकी डिफरेंट एनिमल्स हैं वो कुछ एग्स देते हैं, कुछ से मिल्क मिलता है, कुछ से मीट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए फूड का एक सोर्स होते हैं, इसलिए एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में हमारी हेल्प भी करते हैं। नीचे देखें बेटा पिक्चर में बना हुआ है,
टॉक अबाउट हाउ द एनिमल्स इन द पिक्चर्स बिलो आर यूजफुल टू अस. अब ये देखें नीचे जो एनिमल्स हैं बेटा ये हमारे वर्क में हमें हेल्प करते हैं. अब देखें आप लोग इसके बारे में देखें कि कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता है कि ये हमारे लिए क्या क्या वर्क करते हैं. ठीक है, डॉग है यानी इसको जो है वो हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, काश्तकारी में और हिफाजत के लिए इसको यूज़ करते हैं. हैन है और उससे हम क्या वर्क लेते हैं, हॉर्स है, शीप है. ये एनिमल्स जो हैं डिफरेंट बने हुए हैं और ये हमारे लिए जो है फूड का भी सोर्स है और हमें डिफरेंट कामों में हेल्प भी करते हैं. नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 42. सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर वर्क सच एज फार्मिंग और कैरिंग पीपल और हैवी लोड्स. बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम डिफरेंट वर्क लेते हैं, जैसे फार्मिंग का वर्क है यानी काश्तकारी में उस उनको यूज़ करते हैं, कैरिंग पीपल लोगों को उठाने के लिए और हैवी लोड्स या बहुत ज़्यादा बोझ उठाने के लिए जब वो हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं. नीचे देखें डिफरेंट एनिमल्स बने हुए, कैमल है, हॉर्स है, डंकी है. अब देखें कि ये इनको हम किन किन कामों में यूज़ करते हैं. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स. हमें बेटा एनिमल्स की जो है वो अच्छी केयर करनी चाहिए. अगर हमने एनिमल्स घर में रखने हैं ना टेम एनिमल्स, तो उसकी हमें केयर भी करनी चाहिए, उनको अच्छा खिलाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए. देखें गिव देम फ्रेश वाटर. सबसे पहले तो हमें उन्हें फ्रेश वाटर देना चाहिए. अगर हमने कहीं किसी बाउल में पानी वगैरह डालकर उनके लिए रखा हुआ है तो उसे हमें डेली जो है वो चेंज करना चाहिए. ठीक है, फ्रेश वाटर उनको देना चाहिए. फिर आगे है ऑलवेज फीड हेल्दी फूड टू एनिमल्स. और एनिमल्स को हेल्दी फूड दें, जो फूड एनिमल्स खाते हैं वही वाला फूड उनको दें. हर एनिमल का बेटा डिफरेंट फूड होता है तो वही फूड उनको दें. कीप देयर होम्स क्लीन. और उनके घर को यानी जो भी आपने उनके रखने के लिए जो जगह बनाई हुई है ना उसको भी साफ रखें. और नेवर डिस्टर्ब और हिट एनिमल्स. पिक्चर में देखें नीचे कि हमें एनिमल्स को जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए. तो अगर बेटा एनिमल्स रखने का हमें शौक़ हो तो हमें जो है उनकी गुड केयर भी करनी चाहिए. ठीक है, तभी वो एनिमल्स जो है हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं. ओके बेटा, हमारी आज की रीडिंग इतनी ही थी. अब हम इस रीडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है ना उनको करेंगे. ठीक है, आप लोग आ जाएं वर्क ऑन नोटबुक पर. ओके देखें बेटे, आप लोगों ने अपनी नोटबुक के पेज को जो है ऐसे ही रेडी कर लेना है जैसे आपको नज़र आ रहा है. आप लोगों ने डेट राइट करनी है, डे राइट करना है, क्लास वर्क, यूनिट का नेम, यूनिट नंबर, क्वेश्चन आंसर्स. आपका टॉपिक क्या होगा? क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर वन, हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या है? व्हाट इज़ आर टेम एनिमल. व्हाट इज़ आर टेम एनिमल. रीडिंग में भी बेटे अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक टेम एनिमल्स होते हैं और एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है कि टेम एनिमल किसे कहते हैं. आंसर क्या है? आ टेम एनिमल कैन लिव विद अस. आ टेम एनिमल कैन लिव विद अस. फॉर एग्जांपल कैट एंड डॉग. कैट एंड डॉग. ए डॉट ग का मतलब है फॉर एग्जांपल. ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल कैट एंड डॉग. क्वेश्चन नंबर टू देखें बेटा हमारा है, व्हाट इज़ अ वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल किसे कहते हैं? आंसर है अ वाइल्ड एनिमल लिव अवे इन जंगल. अ वाइल्ड एनिमल लिव अवे इन जंगल. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन एंड टाइगर. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन एंड टाइगर. ये बेटे टू आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. इनको आप लोगों ने नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है. ठीक है, ओके बेटा. अभी आप लोगों की वीकली डायरी जो है वो मैंने मेंशन कर दी है, आप इसको देखें. आपने इस डायरी के मुताबिक जो है अपना डेली का वर्क मुझे चेक करवाया करना करके. ठीक है, आप लोगों ने डेली जो है यही वर्क करके चेक करवाना है. आप लोगों ने सारा एक साथ नहीं करना है. ये डे बाय डे जो है वो डायरी है आप लोगों की. सैटरडे का डायरी वर्क अलग है, मंडे को आपका टेस्ट डे होता है, बाकी डेज़ की भी डायरी है फ्राइडे तक. तो आप लोगों ने डायरी डेज़ के मुताबिक जो है वो मुझे अपना वर्क रोज़ का रोज़ चेक करवाया करना है. ठीक है, चलें भाई, ये आज का हमारा जो था लेक्चर था. इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे हम जो यूनिट का अगला पार्ट हमारा रहता है, कुछ हमारी एक्सरसाइज रहती है, कुछ हमारा जो है वो रीडिंग रहती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़.